सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान 40 करोड़ फ्लैग वर्सेस इंडिया मून मिशन, पाकिस्तान वैगिंग फ्लैग वॉर विथ इंडिया। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनामजद। नाज़रीन, पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे के लिए 500 फुट ऊंचा पाकिस्तान का झंडा तैयार करने में मसरूफ हो गई है, जिसकी कीमत 40 करोड़ है। हमने IMF से कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई मौशियत को बचा सकें, लेकिन हम किसी और ही तरफ निकल गए हैं। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है जिसने 615 करोड़ खर्च किए चंद्रयान 3 मिशन पर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसीलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हम 14 अगस्त को बॉर्डर पर भारत से ऊंचा झंडा डिस्प्ले कर सके। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम तारिक महमूद अली हसन। क्या करते हैं तारिक? मैं MPhil कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। और सर आप? मैं भी MPhil सेम क्लास में हूँ। दोनों क्लास फेलो हैं। अच्छा, आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही दिन हुए हैं, और हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की मौशियत को बचा सकें, जो कि आजकल डूब रही है, बुरे हालों में है। अभी हमें कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 14 अगस्त के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है वो 40 करोड़ है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं सही, हमें अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ सही करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में जो गंद डला है मुल्क में, तो उसको सबसे पहले समेटना चाहिए था, ना कि मतलब कि हमें इस तरह से ये जो सारे हैं काम वो करने चाहिए जिससे कि हमारा सारा जो पैसा वो ज़ाया हो, ना कि नौजवानों पे लगे या पाकिस्तान में जो वो जॉब्स क्रिएट हो। मतलब कि पाकिस्तान में हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि डिग्रीज ले कर वो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जॉब्स नहीं आ रही, और मतलब कि लोग जो है मतलब कि अभी वो ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जॉब का अगर कोई चांस बन ही नहीं रहा। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है, और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले कर। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं ताओ वाली हैं या इस तरह से, तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स मतलब ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। सर मुझे समझ नहीं आती कि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, अच्छी खासी रकम है, और आप सिर्फ उसको एक झंडा लगाने में मेरा ख्याल है वेस्ट कर रहे हैं। ये आप साइंस, IT, टेक्नोलॉजी किसी तरफ लगाएं। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1, वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद, बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी ना, फिर ये सवाल करेगी, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे ये पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पर नीचे ही रखना चाहते हैं, बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं, इंडिया से ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे IT नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। सर जीतने वाला कोई काम भी तो करे ना, मुझे बताएं कि झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा लगा के हम कौन सा जीत जाएंगे? इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना, आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। कुछ भी नहीं इन्होंने करना, आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 अपना वो हैं पॉइंट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज होती है, और मतलब कि इंडिया में कुछ 700-800 वो पॉइंट्स हैं। तो बेसिक सारी चीज़ होती प्रायोरिटी की कि आप लेके जाना किस तरफ चाहते हो, तो जो मतलब कि वो जो इंडिया है वो इस दफ़ा टॉप 20 में आ रहा है, और हमारी 47th नंबर पर है ये जो है हमारी इकोनॉमी, तो बस यही चीज़ है। सर इंडिया जो है वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है,
तीसरी बनने वाला है और हमारी मौशियत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो, हमने अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचाना है। अगर हमें कर्जा अल्लाह अल्लाह करके मिल ही गया है तो हमने कर्जा आते ही मुझे बताएं क्या प्लान किया है कि हमने 40 करोड़ खर्च करना है ताकि हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगा सके। आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं एक झंडे पे 40 करोड़ लगा के। ऐसे ही है ना, अब कल इन्होंने पेट्रोल 9 रुपए मतलब इन्होंने कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपने ये जो बिजली का यूनिट वो इन्होंने महंगा कर दिया, तो आवाम किस तरफ जाए अब आप खुद हिसाब लगाएं। तो जब इन मतलब कि जब इस तरह की चीज़ों पर सारा पैसा वेस्ट होगा तो फिर आपको इसी तरह की वो जो पाकिस्तान फिर डूबना ही है, मतलब कि जो बांग्लादेश हमसे टूटा था वो हमसे आ गया है, इवन के ये जो अफगानिस्तान वो मतलब कि जो उसकी इकोनॉमी वो हमसे बेहतर है, तो पाकिस्तान बस एंड है, क्या कह सकते हैं। सर आपको पता है इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होने से बेहतर है कि चांद पर आपका झंडा हो, जो कि इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, सेम ऐसी है, वो सही कहते हैं और हम लोग बस वहाँ बस इन्होंने हमें बनाया हुआ। सर आपका नाम? शाहिद अबीब। शाहिद क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मास्टर पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्ज़ा मिले कुछ ही टाइम हुआ है और हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम 14 अगस्त के लिए बॉर्डर पर लगाने के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं जिसकी कीमत जो है 40 करोड़ है और इसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि बॉर्डर पर 14 अगस्त को हमारा झंडा इंडिया के झंडे से ऊपर हो। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। तो हमारे सामने ज़िंदा मिसालें हैं, बाकी ममालिक की आप जापान को ले लें, आप चाइना को ले लें। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि जापान के जो लोग हैं उनको एक वीक की मतलब छुट्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो उन वो लोग एहतजाजन सड़कों पे आ गए हैं कि अगर हमें एक हफ़्ता घर बैठना पड़ा तो हम मर जाएंगे। वो ऐसे मजबूत कौम है और उन्होंने तरक्की की है, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उनके अपोज़िट हैं, बिल्कुल अपोज़िट हैं। तो हमें मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा, मुआशी जो असूल हैं उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक अजीम कौम बनना है। ऐसे झंडे लगाने से हम अजीम कौम नहीं बन सकते। सर इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, अभी 3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है जिसकी जो कॉस्ट थी वो 615 करोड़ है और हमने 40 करोड़ सिर्फ इसीलिए हम लगा रहे हैं कि हमने इंडिया से ऊपर जो है 14 अगस्त पर बॉर्डर से अपना झंडा लगाना है। यही हम 40 करोड़ अपने किसी साइंस IT के डिपार्टमेंट में लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनकी जॉब्स के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको लगता है कि 40 करोड़ ठीक है? अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अच्छे से सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन 40 करोड़ का हम झंडा बना रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। बिल्कुल अजीम 40 करोड़ झंडे लगा, 40 करोड़ एक झंडे पे खर्च करने से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अजीम कौम नहीं बनेंगे। अगर वही 40 करोड़ हमारी जो बेसिक ज़रूरत है तालीम, आपने हेल्थ का सेक्टर देख लें, हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है, आज किसी हॉस्पिटल में हमारी जो बेसिक ज़रूरत है पेनाडॉल की गोली है वो नहीं मिल रही, मरीज़ मर रहे हैं हर हॉस्पिटल में मर रहे हैं, और हमारा हाल ये है कि हम 40 करोड़ के झंडे लगाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कम अकली और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सर कब तक हम ये बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग पर फ़ख्र महसूस करते रहेंगे, इंडिया से ऊंचा लंबा झंडा बनाकर हम इन्हीं बातों पर फ़ख्र करते रहेंगे? इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, हम कोई और इस तरह का मिशन क्यों नहीं करते? हम भी मून मिशन करें ताकि इंडिया का बराबरी पर मुकाबला तो हो सके हमारा उनके साथ। देखिए इंडिया इस वक्त हमसे बहुत आगे है, ठीक है। इंडिया ने एक पिछले दिनों आपको पता है कि वो गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक कार वो इंट्रोड्यूस करवाई है। हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को यूथिया, एक दूसरे को पटवारी और एक दूसरे को निचला दिखाने के लिए हम ऐसी हरकत कर, मेरे ख्याल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अखलाकी तौर पर एक कौम बनना है, उसके बाद ही बाकी तरक्की होगी। सर आपको पता है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है
कि इंडिया से मुकाबला करने के लिए, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ का ऊंचा 5 फुट ऊंचा जो है झंडा तैयार कर रहा है। क्या कहेंगे, हमारा हमेशा मजाक बनता है, हम कभी कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ करे। हमेशा हम पर तनकीद और तंज ही किया गया है, ना तो कोई मुल्क हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेता है और ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं कि दुनिया हम पर फ़ख्र करे या हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अखलाकी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा मुल्क जो है इस्लामी नाम पे बनाया गया है, जब तक हम उस इस्लामी उसूलों पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लामी उसूलों पर कार फरमाओ के हम तब तरक्की कर सकते हैं जब तक इन बुनियादी उसूलों को, जो इस्लाम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, तभी है, ऐसे नहीं हो सकता। सर, एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, 40 करोड़ का झंडा जो तैयार किया जाने वाला है, क्या एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूथ आप इसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इस चीज़ के बिल्कुल एंटी है। ये 40 करोड़ आपकी नज़र में और कहाँ कहाँ अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकता है? अब मैंने आपको बताया कि सबसे हमारा जो मेन सेक्टर है वो हेल्थ है। हेल्थ में इतने प्रॉब्लम हैं कि वो चांदीरू में हल होने वाले नहीं हैं, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बंद है। अगर ये 40 करोड़ हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में कतरे बेहतरी हो सकती है। सर, आपका नाम? उमर। उमर क्या करते हैं? मैं आजकल फ्री हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा उमर, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, IMF ने हमें कर्जा दिया है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, तरले डाल डाल कर, पता नहीं किस किस की सिफारिश हमने डाली, हमें फिर जाकर कर्जा मिला। और कर्जा मिलते ही हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की है कि हम 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करेंगे, 14 अगस्त पर बॉर्डर पर डिस्प्ले करेंगे, इंडिया से ऊंचा हमारा झंडा होना चाहिए, और जिसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 40 करोड़। क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ऊंचा झंडा दिखाने के लिए अपना हम 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस बारे भी सोचता है कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, एक पाकिस्तान के लिए एक वो कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल है कि यार हमारा जो फ्लैग हमेशा, हम वैसे भी काफ़ी यानी कि ना पुरमन लोग हैं, हमारे दिल भी साफ़ हैं, ठीक है, हमारा जो झंडा है वो भी ब्राइट है, लेकिन कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते, तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता। तो कर्जा लेके ये काम करना ये बड़ी गलत चीज़ है। हम देख लें, हमारे जैसे यंगस्टर को देख लें, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, डिग्री उनके हाथ में है, आज डिग्री लेना आसान काम कहाँ है, 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है एक डिग्री लेने का, फिर उसके बाद जॉब अगर आप ढूंढो तो 40,000 रुपये में 35,000 रुपये में जॉब मिलती है, डॉलर का रेट 300 के लगभग है, ठीक है, इंसान कैसे सर्वाइव करे। तो अगर ये चीज़ें ना हो हमारे यहाँ पे, यानी कि हमें टैक्स ना देने पड़ते हों या फिर कर्जे हमारे सर पे ना हों, तो यार हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, बड़ी ब्राइट है। फिलहाल अभी हमें ना नज़र आ रही है, ना देखा जा सकता, कारोबारी हालात नहीं है, ठीक है, हमारा IT सेक्टर देख लो, इंडिया ने IT सेक्टर को साइड पे करके इंडिया का IT सेक्टर किस लेवल पे पहुंच गया है। वो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया वालों ने कोई तैयारा भेजा है चंद्रयान 3, ठीक है, वो देख लो कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग पे इन्वेस्टमेंट, यार बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन तब करें जब यार हमारे पास इतने असासे और रिसोर्सेस हो। अच्छा उमर, हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचा सकें। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि हम ये चीज़ें करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क खुशगवार हो, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए आटा मिले, रोटी मिले, नौजवान को नौकरियाँ मिले। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यही 40 करोड़ कुछ लोगों में डिवाइड किया होता ना, या कुछ लोगों को रोज़गार का जरिया बनाया होता, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा अच्छा मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगना था। उसका रीज़न ये है कि यार
कारोबारी हालात जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो लोग जो है ना वो मरने पे आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार आज हर इंसान को एक अच्छी लाइफ चाहिए। उन्हें अगर खुद हमें अच्छी लाइफ नहीं ना मिल रही, तो हम अपने बच्चों को क्या लाइफ देंगे। ठीक है, तो इंसान की इतनी इनकम होनी चाहिए कि अपने घर को और अपने आप को, अपनी फैमिली को चला सके, ना कि एक जाना कमाने वाला और छह जाने खाने वाले हों, वो भी इतनी महंगाई में किस तरह। और उम्र अगर मुकाबला करना है तो इंडिया के और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया के आईटी में मुकाबला करें, साइंस में करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ सेक्टर में करें। चलो, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, आप भी कोई इस तरह का मिशन करें, कोई मून एक्सपेरिमेंट करें। आज तक अपनी एक सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर पाए और हमेशा हम यही मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं कि भाई बॉर्डर में हमारी टांग इंडिया की टांग से ज़्यादा ऊंची है, हमारा झंडा बॉर्डर पे इंडिया से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, हमारी आर्मी इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पता नहीं हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी आर्मी जो है इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा जो रुतबा है वो बड़ा होना चाहिए। कौन चाहता है यार हम लोग पीछे रहें, हर बंदा चाहता है कि हम लोग एक कदम आगे रहें। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे हमारे यानी कि मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, इसको स्टेबल करने की तरफ हमारा जो है ना ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मसला ये है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कहाँ जाकर हम अपने आप को दिखा सकें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं आईटी सेक्टर में बेस्ट हूँ। ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें वो उस तरह से क्या कहते हैं चीज़ें मुहैया नहीं कर रही। और हम लोग, हमें डेफिनेटली अगर अच्छे तरीके से अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हों तो हम अपने आप को बता सकें, इम्प्रूव करके दिखा सकें। अगर हमें इतनी सी सलाहियत है तो हम उस सलाहियत को इतना बनाकर दिखा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हम आपको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। उमर, इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है कि हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है और हम 40 करोड़ सिर्फ 14 अगस्त पर, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर, एक दिन के झंडे के लिए खर्च कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? हमारी गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से कर्ज़ा लेने के बाद क्या जिस पैसे को जहां यूटिलाइज करना चाहिए वहां करने के बजाय झंडे पर लगा रही, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, सोच अच्छी है, तरीका गलत है। तो बाकी मैं यही अपनी गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों के बारे भी सोचें, उन बुज़ुर्गों के बारे सोचें जो सफ़ेद पोश हैं, ताकि वो सुख की ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार सकें। अब आप देखें कि इंडिया अपनी यूथ को कितना सपोर्ट करता है, अपने टैलेंट को कितना प्रमोट करता है, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेकर आता है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम इंडिया ने मनवा दिया है, लेकिन हम, मेरा ख्याल है, बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों। हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो इंडिया को पीछे छोड़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये आप मेरी बात बेशक रिकॉर्ड कर रही हैं, चाहे वे ये लिख लें, हमारे पास फैसिलिटीज हो, ठीक है, हमारे पास अपने जो यूथ को सही प्लेटफॉर्म पर लाने की सलाहियत हो, हम इंडिया को इस तरह पीछे छोड़ सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को थैंक यू सना जी इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। और मैं आपको सना जी, आप ही को पाकिस्तानी आवाम ये वीडियो देख रही है, कोई पाकिस्तानी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने बहुत सारे पाकिस्तान के वीडियो देखे हैं। तो कमेंट में मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान कौन सी सदी में जी रहा है, प्लीज़ आप हमें बताइए, क्योंकि इंडिया जो अभी है वो 21वीं सदी में जी रहा है, आप कौन सी सदी में जी रहे हो, प्लीज़ लिखाइए, आंसर दीजिए हमें इसका। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, देखो झंडा है ना, सब देश चाहता है उसका झंडा सबसे पहले सबसे ऊँचा है, ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान नहीं हो, इंडिया भी यही चाहेगा, लेकिन तरीका गलत है, जो वीडियो में भी बताया गया है, यार 40 करोड़ का झंडा, मतलब देख झंडा ऊंचा होना मतलब ऐसा नहीं कि हाइट में ऊंचा होना, हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका झंडा आपके एजुकेशन सेक्टर में ऊंचा रखिए, आपका झंडा आपका साइंस सेक्टर में ऊंचा रखिए, आपका झंडा आपके हेल्थ सेक्टर में ऊंचा होना चाहिए, आपका झंडा आपके फार्मिंग सेक्टर में ऊंचा होना चाहिए। ये सोच जब होगी तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा।
और ये हमें प्लीज बताइए ऐसी थिंकिंग किसकी है। अभी 10 या 15 दिन हुए पाकिस्तान को कुछ लोन मिली है, हाँ कर्जा मिला है, तो IMF राशि हो गया कुछ समय के लिए कर्जा देने के लिए। IMF को भी पता है वो रिटर्न आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी दिया है ताकि आवाम का कुछ हो सके, बचा सके पाकिस्तान की आवाम को। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना उसका आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जितने भी मैं वीडियो देखता हूँ ना वहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी 21वीं सदी में आया नहीं है। मतलब उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ टाइम, उसका उसकी थिंकिंग लेवल जो है वो 21वीं सदी वाली है नहीं। क्योंकि अभी जो समय टाइम चल रहा है ना वो स्पीड चल रहा है, स्पीड वाला, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ, अब सब लोग जो लड़ रहे हैं ना वो युद्ध की बात नहीं कर रहे, उसके कंट्री को हर एक सीट में फैसिलिट कैसे किया जाए, लेकिन मतलब उसका एजुकेशन सेक्टर थोड़ा डाउन है तो उसको अब कैसे किया जाए, उस चीजों में लड़ रहे हैं, उसकी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। अब भारत का आप देखो हर एक सेक्टर में उसका झंडा ऊपर होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके लिए देश ने मेहनत किया। अब IT सेक्टर ले लो, टॉप 1 में तो होंगे ही होंगे, 110% में हम टॉप 1 पे है अभी की करंट की बात करो, पहले नहीं थे अब है। दूसरी बात, इकोनॉमी पे हम अभी टॉप 5 में, मतलब 5th नंबर पे है। कुछ दिनों में या तो कुछ महीनों में, तो महीना ही में बोल सकता हूँ, ज्यादा साल नहीं लगेंगे कि हम टॉप 3 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से झंडा ऊंचा होगा ना तब फक्र महसूस होगा आपको, ठीक है। यहाँ आप बोल रहे हो 40 नौ कितने फुट का बोला, 500 फुट इंडिया छान, तो एक ये जो आप खर्चा करो ना 40 करोड़ रुपया, उससे भी आधी नहीं, उससे भी उसके जो 40 करोड़ उसका 10 या 20% में इंडिया आपसे, आप 500 फुट के बोलो ना 600-700 फुट का झंडा ऊंचा कर सकते, लेकिन हम वैसा नहीं, हम आपकी तरह वो बुद्धि नहीं चलाते। 40 करोड़ रुपया आप कभी हेल्थ सेक्टर में यूज करो, आपके आपके जो एस्पायर प्राइम प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे हाइजीन का ख्याल बहुत रखना जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो हाइजीन के लिए 40 करोड़ खर्च करो ताकि बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट मिले, एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे तो देश का नाम आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपको ये तो नहीं करना यार, प्लीज हमें कमेंट में लिख के बताइए 40 करोड़ से इतना झंडा ऊंचा रखने से क्या बेनिफिट्स है, उससे क्या इनकम ऑफ सोर्स होगा, या यहाँ पे मोदी जी है ना कुछ खर्च करते हैं ना तो उसका ये सोचते हैं कि इतना खर्च मैं इस सेक्टर में कर रहा हूँ तो, या तो इतना खर्च मैं इसमें कर रहा हूँ तो उससे मेरे को कितनी इनकम होगी, मतलब मोदी जी को पर्सनली नहीं देश को कितनी इनकम होगी। जैसे कि इंडिया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का टैच्यू वर्ल्ड में सबसे ऊंचा किया गया है, जब बन रहा था तब बोल रहे थे कि इतना पैसा हो जाएगा, इतना कर्ज बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, अब वो प्रॉफिट दे रहा है सरकार को, गवर्नमेंट को, अब वो प्रॉफिट दे रहा है। अब उस पैसों से वहां पे बिजली प्लांट भी है, नर्मदा बांध के, हाँ। और आप बोल रहे हो इंडिया ने, वीडियो में ये भी था कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया ये, तो भाई पानी छोड़ना हमारी मजबूरी थी, नहीं छोड़ा होता आपकी रावी नदी में तो पाकिस्तान बांध टूट गया होता तो पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाता, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ा तो आपके लिए अच्छा ही है ना। हो सकता है बिजली कुछ समय के लिए आपके वहां गई होगी, लेकिन पानी छोड़ने का रीजन यही है ना कि आपको हैरान करने का, अभी वहां पर पानी नहीं छोड़ा गया था, बांध टूट गया तो पाकिस्तान तो नेस्ट तो नाबूद हो जाता। तो एक आपकी भलाई के लिए छोड़ा है ना कि आपको कोई परेशान करने के लिए। अभी यहाँ पे बारिश वहां पे बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया था, इसी वजह से पानी को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर दिखा बताइए, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो अब और ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।